नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। तिल से बने हुए खाने सर्दियों में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और वो शरीर को गर्माहट भी देते हैं। तो आइए आज हम तिल मावा के लड्डू बनाएं। देखते हैं तिल मावा के लड्डू बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तिल 1 कप, पिसी हुई चीनी या बूरा 1 कप, मावा 1 कप, काजू 1/2 कप और 4-5 इलायची जो हमने छील करके पाउडर कर ली हैं। तो सबसे पहले तिल मावा के लड्डू बनाने के लिए हम तिल को भूनेंगे। पैन गरम हो जाए, पैन में तिल डाल देंगे और लगातार चलाते हुए तिल को हल्के ब्राउन होने तक भूनेंगे। तिल हल्के ब्राउन हो गए हैं, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है और तिल का शेप भी हमें थोड़ा फूला दिखाई देता है, तो हमें पता चल जाता है कि तिल भुन गए हैं। तिल को हम बिल्कुल ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, वरना तिल का जो स्वाद है वो कड़वा हो जाता है। तो तिल हमारे भुन गए, ब्राउन हो गए और अब हम इन्हें निकाल लेंगे प्लेट में और इनको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद दरदरा पीस लेंगे। ये मावा भी हम भून के तैयार कर लेते हैं। थोड़ा क्रम्बल करके डालेंगे मावा। मावा को हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। मावा को लगातार चलाते हुए भूनना है, जलना नहीं चाहिए मावा नीचे से। मावा ब्राउन हो गया है, मावा भुन चुका है और अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको चलाते रहेंगे थोड़ी देर, क्योंकि नीचे से कढ़ाई गर्म होती है तो भी मावा नीचे से ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाता है। मावा भुन गया है, तिल भी हमने पीस के तैयार कर लिए और अब हम ये काजू भी काट लेते हैं। तो काजू को हम इस तरीके से एक काजू के 6-7 टुकड़े करते हुए, ज़्यादा मोटे नहीं काटेंगे। ये काजू हमने काट लिए और अब हम मावे में मिलाते हैं सारी चीज़ें। चीनी डाल देंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। और अब ये तिल का पाउडर भी मिला लेंगे। काजू मिला लेंगे, इलायची पाउडर भी डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलने तक मिला लेंगे। सारा मिक्सर बन मिल गया अच्छे से और अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो छोटे छोटे लड्डू, एक टेबल टेनिस की बॉल के बराबर छोटे छोटे लड्डू बना लेते हैं। वैसे आप अपनी मनपसंद के जितने बड़े लड्डू बनाना चाहें उतने बड़े लड्डू बना सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा मिश्रण उठा के और हाथ से गोल गोल करेंगे। मिश्रण को बहुत देर तक ठंडा होने के लिए नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो फिर लड्डू बांधना मुश्किल हो जाता है, फिर वो खुलने लग जाते हैं। तो जब तक वो थोड़ा सा हल्का गर्म है तभी तक हम लड्डू बांध के जल्दी जल्दी तैयार कर लेंगे। तिल मावा के लड्डू तैयार हैं। तिल मावा के लड्डू आप एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए और 10-12 दिन तक खाते रहिए। आप ये लड्डू बनाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com में शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com में।